तो मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में जनूबी कोरिया की खातून ब्लॉगर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इसी मामले में पुलिस ने दो मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वायरल वीडियो को बुनियाद बनाकर इस पर कार्रवाई की है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ब्लॉगर कोरिया की खातून ब्लॉगर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और मुंबई में ये वाकया पेश आया। मुंबई में कोरिया की खातून ब्लॉगर से छेड़छाड़ की गई है। मामले में पुलिस ने दो मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने वायरल वीडियो को बुनियाद बनाकर इस पर कार्रवाई की। आप ये वीडियो देख सकते हैं, कोरिया की ये खातून ब्लॉगर है जो ब्लॉग बनाती हुई मुंबई की सड़कों पर घूम रही थी। किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की, आप देख सकते हैं तस्वीरें। कोई शख्स नजर आ रहा है जो इस खातून के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए। तो आपको समझ भी आ रहा होगा, खातून कुछ कहने की कोशिश कर रही है और वो खातून मना करती हुई भी नजर आ रही है उस शख्स से, लेकिन फिर भी वो उसे जबरन हाथ पकड़कर अपनी बाइक की तरफ ले जाने की बात कर रहा है। और ये कोरिया की खातून ब्लॉगर है जो ब्लॉग करती हुई नजर आ रही थी मुंबई की सड़कों पर। एक शख्स आता है, जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपनी बाइक पर बैठाने की बात करता है। हालांकि ये खातून के मना करने के बावजूद भी वो जबरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो मुलजिम को गिरफ्तार किया हुआ है। एक ये शख्स जो इस तस्वीर में नजर आ रहा है और साथ ही साथ इसके साथ कुछ और लोग भी होंगे जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने इस वीडियो की बुनियाद पर ही ये कार्रवाई की है जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से ये शख्स इस खातून के साथ जबरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि खातून मना भी कर रही है और वो पूछ भी रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मना करने के बावजूद भी वो जबरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। आप ये वीडियो देखिए, बेहद ही अफसोसनाक ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है। अगर बाहर के मुल्क के लोग हमारे यहाँ आकर ब्लॉगिंग करते हैं, इस तरह के वाकयात पेश आएंगे तो यकीनन ये चीजें अफसोसनाक है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की और दो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी मामले को लेकर मुंबई के डीसीपी अनिल पारस्कर का क्या कहना है, ये वो भी सुनते हैं। कल मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक वीडियो ब्लॉगर महिला के साथ दो युवक छेड़छाड़ कर रहे ऐसा दिख रहा था। ये घटना खार पुलिस स्टेशन के अंडर हुई ऐसा जांच में पता चला, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगी, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें FIR दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही है।